विष्णुप्रिया भट्ट कटकु आसी आम दाबी हूँ कि डिप्लोमा जो जूनियर इंजीनियर तेरे बीटेक पिला बाहर जाए आलो कर डिप्लोमा पिला रुहत नन डिप्लोमा पिला बाहर असुविधा आम यदि डिप्लोमा पिला यदि डिग्री पिला आसिक डिप्लोमा पोस्ट करेंगे जूनियर इंजीनियर करेंगे तो जूनियर इंजीनियर पिला मैंने डिप्लोमा पिला से कुआ जी से कौन करेंगे आबिययसली तो यदि एम बी एस पिला आसिक नर्सी करेंगे तो आम नर्सी पिला कुआ जी बुझीपुर तो टीचर जो अच्छे से क्लर्क एग्जाम देते तो क्लर्क जो मैंने स्टाडार्ड पे कौन करेंगे से बेरोजगार बढ़े ना जी डिप्लोमा करके डिग्री करेंगे तो इलीजिबल कारण ये मैंडेटरी अच्छे डिप्लोमा कर दरकार जी यदि खाली ओनली फॉर प्लस टू पर बीटेक करते तो इलीजिबल नुहे आम दबी बीटेक पिला आउट हूँ और डिप्लोमा नॉन डिप्लोमा जो मैंने आउट हूँ डिप्लोमा पिला ही रुहत आस जल्दी सॉल्व हो आम रिजल्ट जल्दी पब्लिश हो जन्मेजय महंत मुझे डिप्लोमा सिविल आशाई गोटे तो आम ये बस एक्चुअली नवेम्बर 2 नोटिफिकेशन आसाला ए नवेम्बर 2 आम गोटे वर्ष बीत नोटिफिकेशन को कितना बर्तमान सुधा ओएसएससी आमको जेई पोस्ट जो रिक्रुटमेंट काटा तार से रिक्रुटमेंट प्रोसेस बर्तमान सुधा कंप्लीट कर पारिना ठीक अच्छे दुनिया मानते बहुत सारा जिनस रोचे कनफ्लिक्ट जो आम एक्जाम डिले भितर बहुत सारा जिस आप जानते क्वेश्चन लिख भी होता जो मैंने शेड्यूल लिख एक्जाम होता है जो आम प्रोसेसिंग डिले हो आउ गए पॉइंट हूँ आम बीटेक पिला गुड़ा एक्चुअली आम जेई पोस्ट में केवल डिप्लोमा पिला एलिजिबल थे अमेंडमेंट भी अलरेडी अच्छे से जिनसा मेनसन है कि किसी मैंने अशेष किसी त्रुटिपाई का कौन है से बीटेक पिला गुड़ा मैंने नन डिप्लोमा पिला जो अच्छा बीटेक पिला मैंने भी आम पिटिशन फाइल करके एलाउ होती एक्जाम दे पार्टी आउ से एलाउ हो मैंने चाहिए एलाउ होगा कि आम जेहतु एमेंडमेंट ना जेई पोस्ट केवल ओनली डिप्लोमा पिला जेहतु एलाउ रखी आम चाहूँ केवल डिप्लोमा पोस्ट डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन अलरेडी मेनसन कराई डिप्लोमा पिला थी जो डिप्लोमा डिप्लोमा प्लस बीटेक था डिप्लोमा कंपल्स दरकार बीटेक एमटेक पीएचडी जहाँ भी था पिला एलाउ हूँ आम ये चाहूँ नन डिप्लोमा पिला बात देखें टोटाल रिक्वेस्ट करने आठ आज शांतिपूर्ण भाव में बस मो ना आर्जेश्वर पढ़ियारी मो डिप्लोमा होल्डर मुझे जेई पोस्ट पर आप्लाय करी मो डीवी भी क्लीयर हो तो प्रोब्लेम ये हूँ कि आम ओडिशारे दीर्घ काल एटा अलरेडी आमपाई कैडर बनाही ओडिशा डिप्लोमा सर्विस रूल बनाही 2012 जो थे अलरेडी मेनसन कराई क्लीयरली मेनसन कराई कि जेई पदवीपाई केवल डिप्लोमा होल्डर ही एलिजिबल तो यही रिजन में जितेबाला व्वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तार रिक्रुटमेंट दे तो 2022 रिक्रुटमेंट बाहर कला 2 नवेम्बर 2022 2022 बाहर कलापर तर गोटे मिस्टेक था जोटा कि रिकवरी करने ओएससी 21 नवेम्बर 2022 मेन्स क्लीयरली मेनसन कला कि डिप्लोमा होल्डर ही केवल जेई पदवीपी एलिजिबल फर्स्ट सेकेंड फिणी व्वाटर रिसोर्स भी तार नोटिस बाहर कला के 13 जनवरी 2023 से क्लीयरली मेनसन कला केवल डिप्लोमा होल्डर ही जेई पदवीपी एलिजिबल तापर आम इंडिविजुआली सब डिपार्टमेंट जो मैंने रिक्रुटमेंट देखते पिला दरकार तो तांको भी आम ग्रीभेन्स देलु तो से भी क्लीयर कहले कि जहाँ रूल रे अच्छे सेटा ही हम कि या सत्ते बीटेक पिला जो माने भी केस फाइल करस सल्व न करी ओएससी रिजल्ट बाहर करिया पक्षर अच्छी तो आमर दाबी कि तुम्हें आमको गोटे वर्ष है सफर हेलु आम 10-15 दिन आम सफर हबु से आमको कौन सी प्रोब्लम ना कि आमर रिक्वेस्ट कि तुम्हें जल्दी आमको रिजल्ट भी जल्दी बाहर कर आ जल्दी आम कोर्टर मैटरटा को सल्व करके बाहर कर कारण ये दुटा केस को जल्दी सर्ट आउट करिया बहुत दरकार अच्छी जदि एग्जाम्पल दौर जदि MBBS गोटे MBBS कैडर जदि नर्सिंग आसिक कर नर्सिंग वैल्यू कौन रहा है सब तो सब MBBS तो नर्स हो जातु ना तो नर्सिंग रहा कौन दरकार अच्छी तर सब MBBS आसतु नर्सिंग अप्लाय करूँ नर्सिंग अप्लाई हो सब पोस्ट क्वालिफिकेशन अच्छे मुख्य कारण यहीटा डिपार्टमेंटर किसीटा सिलेक्टेड लोक अच्छा जो मान पाने अलरेडी बीटेक होल्डर करी चाकरी पापार ना जो से AEE जोटा कि हायर आम पोस्ट सो से गेट कंपलसरी कर जो मैंने डरूं किपारे ना से क्वाफाई करें से ही डर जो मैंने कर्मचारी अच्छा सरकारी कर्मचारी से निज पा भविष्य बचाई सब ड्रामा करमर दाबी तुम्हें केसटा को जल्दी सल्व कर आम जहाँ भी रूल रेगुलेशन अच्छे कैडर रेटा को फॉलो करके कर आमर जल्दी रिजल्ट आउट कर आ नॉन डिप्लोमा होल्डर जिते भी अच्छा बैन कर ना ये आंदोलन आगामी दिन में बहुत भयंकर रूप नब आ बहुत इंपैक्ट पकेब
गवर्नमेंट प्रति भी भविष्य इंपैक्ट पकेबो।